नमस्कार दोस्तों, आज इस लाइव सेशन में हम लोग बात करेंगे तमिलनाडु का। तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट जहां पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और डीम्ड कॉलेजेस, ये तीनों पैरामीटर्स पे अगर हम लोग देखें तो तमिलनाडु में नंबर ऑफ सीट्स काफी ज्यादा हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होने के साथ साथ तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जो ओपन स्टेट है और वहां पर ट्यूशन फी को लेके एक काफी लीनियर और कांस्टेंट प्लानिंग है स्टेट गवर्नमेंट की, जिसे आप बेहतर समझ सकते हैं इस हमारे लाइव सेशन में। इस लाइव सेशन में मैं वो आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए प्लान कर रहे हैं और उसमें आपका एक बजट मेजर कंसर्न है, तो तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट जहां पर आर्ट ऑफ द बेस्ट आपको मेडिकल कॉलेजेस भी मिलेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, फैकल्टीज वाइज, और इनफैक्ट मैं आपको कह सकता हूं कि एक अच्छे सेटअप में एक बेहतर मेडिकल कॉलेज प्राइवेट का अगर आप सोच रहे हो तो इसमें तमिलनाडु बेस्ट ऑप्शन हो सकता है विद इन बजट। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि नीट 2023-24 के लिए जो हमारा ये सेशन अभी चल रहा है, इसमें आप अगर काउंसलिंग के माध्यम से तमिलनाडु में अपने बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको किस तरीके की प्लानिंग करनी होगी, क्या नंबर्स बच्चों को लाने होंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए या डीम्ड कॉलेजेस के लिए या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, आप सभी को पता है। अब हम लोग शुरू करते हैं, इसके आगे की बात आपसे मैं डिस्कशन में बताता जाऊंगा। चलिए, ये वीडियो बहुत काम की चीज है, ये वीडियो थोड़ा लेंदी जरूर होगा लेकिन आपके लिए काफी इंफॉर्मेशन देने वाला है। यदि आप पेरेंट्स हैं या आप स्पेरेंट्स बच्चे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि इस वीडियो को आप बिल्कुल माइन्यूटली वॉच कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, आपके नंबर्स और आपके कटअप्स के साथ साथ आपकी क्या वैबिलिटी बनती है तमिलनाडु स्टेट के लिए। तो चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता देना चाहता हूं कि जब मैं बात करता हूं आपसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करता हूं या डिम्ड की, तो ये बिल्कुल आप समझ लें कि प्राइवेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर मैं बात कर रहा हूं और ये वीडियो मैं इन तमाम सारे बच्चों के लिए बना रहा हूं, तो यहां पर गवर्नमेंट कॉलेज में काउंसलिंग ऑल इंडिया से ही माध्यम से पॉसिबल है, ये ध्यान रखेंगे। यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो भी मैं यहां पर आपको कटअप्स बता रहा हूं, ये ऑल इंडिया कोटे के माध्यम से, क्योंकि आपकी डोमेसाइल अगर कोई और स्टेट है और आप प्लान कर रहे हैं कि तमिलनाडु में आपको एडमिशन लेना है गवर्नमेंट कॉलेज में, तो वो आपके ऑल इंडिया कोटे से जो 15% है सिर्फ आप उसके ही एलिजिबिलिटी आपकी बनती है और आप वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। इसके बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, आपको पता है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हर स्टेट की 100% सीट्स जो होती है वो स्टेट काउंसलिंग से होती है, ऑल इंडिया कोटे के माध्यम से नहीं होती है। तो स्टेट काउंसलिंग अदर स्टेट्स के लिए मैनेजमेंट कोटे की सीट्स रखती है, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अदर स्टेट्स के बच्चे यदि वो स्टेट ओपन स्टेट हो। तो तमिलनाडु के बारे में मैंने आपको बताया कि तमिलनाडु एक ओपन स्टेट है तो आप यहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर आती है बात तीसरा कंडीशन और वो है डिम्ड कॉलेजेस का। डिम्ड कॉलेजेस होती है स्टेट में है लेकिन इसकी 100% सीट्स ऑल इंडिया काउंसलिंग के माध्यम से ही होती हैं, इसके ऑल इंडिया कोटा ही होता है, स्टेट में इसके कोई कोटा नहीं होते हैं। तो अब हम लोग इस बात को यहां पर फिनिश करते हैं और अब हम लोग आते हैं कि यदि आप ऑल इंडिया कोटे से गवर्नमेंट कॉलेज की प्लानिंग कर रहे हो और वो भी तमिलनाडु का, तो एक जस्ट इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको यहां पर एक डेटा दिया और मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए यहां पर जितने भी मेडिकल कॉलेजेस जो गवर्नमेंट के हैं तमिलनाडु में, लगभग उनकी जो सीट्स जो लास्ट ईयर का डेटा है वो 5,200 नंबर्स है।
ये 5,200 नंबर्स जो है, 200 नंबर्स जो है वो काफी नंबर्स हैं, और वहां पर जो जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, देखिए 6,000 रुपीज उसकी ट्यूशन फी है। यदि आपको ये कॉलेजेस ऑल इंडिया कोटे से अलॉट होता है तो मैक्सिमम जितने भी गवर्नमेंट की मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर आपको सिर्फ 6,000 रुपीज ही पे करना होगा। आप ये देख लीजिए। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं कटअप्स की। तो जनरल कैटेगरीज में ऑल इंडिया कोटे से 647, ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज में 625, ओबीसी कैटेगरीज में 641, एससी कैटेगरीज 581 और एसटी कैटेगरीज 495। ये ऑल इंडिया कोटे से नंबर्स की बात मैं कर रहा हूं। अब आप इसमें देखिए कि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो जनरल कैटेगरीज में, ओपन कैटेगरीज में हम लोग बात करें तो 624, 623, 621, 623, 28, 655, 634, 630, 627, 625। यानी कि अगर देखा जाए तो यहां पर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिनिमम जो अगर कटअप की बात करते हैं तो 624 तक आपका नंबर्स जाता है ओपन कैटेगरीज में। यानी कि 624 नंबर अगर आपका है तो यहां पर जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं तमिलनाडु में ऑल इंडिया कोटे से आपको शायद यहां पर सीट मिल जाए। इसी बीच में आपको देखिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड ईएसआई हॉस्पिटल्स कोयम्बटूर तमिलनाडु, इसका जो ट्यूशन फी है वो 13,610 रुपीज है और इसकी कट ऑफ 545 के आसपास होती है। तो 545 के आसपास इसकी कट ऑफ होती है ईएसआई हॉस्पिटल्स का, और इसकी जो ट्यूशन फी है वो है आपका 13,610। ये है आपका ट्यूशन फी। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट कोटे का। तो मैं आपको बताऊं कि ये सारे मेडिकल कॉलेजेस में मैनेजमेंट कोटे की एज सच कोई यहां पर जानकारी नहीं है, और यहां पर जो भी कटअप्स मैंने आपको बताया ये मैंने ओपन कैटेगरीज में बताया। अब हम लोग बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो देखिए 625, 635, 624, 618, 615, 613, 613 लोएस्ट नंबर अभी दिखा मेरे को, और देखा जाए तो कुल मिलाकर ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज में 614 नंबर इज लोएस्ट नंबर। तो 614 नंबर्स आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज में तमिलनाडु के लिए आपको मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। ओबीसी कैटेगरीज में अगर हम लोग बात करें तो 641, 628, 622, 621, 620 लोएस्ट अगर नंबर्स की बात करते हैं तो यहां पर लोएस्ट नंबर्स आप देखें तो 620 आई थिंक है। तो यहां पर ओबीसी कैटेगरीज में 620 नंबर्स आपको स्कोर करना होगा तब जाकर ये गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको यहां पर मिल सकती हैं। अब हम लोग बात करते हैं एससी कैटेगरीज में। तो एससी कैटेगरीज में देखिए तो 581, 526, 510, नेक्स्ट देखिए 510 इज द लोएस्ट नंबर टिल, और देन इसके बाद इज द 510 नंबर इज द लास्ट नंबर। तो 510 नंबर्स इसका कट ऑफ रहा है मिनिमम इन स्टेट्स के लिए, और आपको अगर इससे ऊपर नंबर है 59 नंबर इज मिनिमम सॉरी तो आपको यहां पर 509 नंबर्स लोएस्ट की बात हम लोग कर सकते हैं कि 509 नंबर एससी कैटेगरीज में कट ऑफ गई हैं लोएस्ट। और अब इसके बात करते हैं एसटी की। तो एसटी में देखिए 495, 474, 479, 471, 470, आई थिंक इज द लोएस्ट नंबर। तो 470 नंबर्स आपका यहां पर लोएस्ट है एसटी कैटेगरीज के लिए। तो ये तो हम लोगों ने बात किया आपके प्राइवेट मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर आप ऑल इंडिया कोटे से पार्टिसिपेट करके यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ आपको अगर लगता है कि ऑल इंडिया काउंसलिंग से आपको कॉलेज मिल सकता है, तो आपको मैंने इन जनरल आपको बताया कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं कर्नाटक तमिलनाडु में इनके ओबीसी कैटेगरीज, जनरल कैटेगरीज यानी कि ओपन कैटेगरीज
और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज, एससी कैटेगरीज और एसटी कैटेगरीज में आपको कितने नंबर्स चाहिए। आपको पता है कि इनटेक भी मैंने यहां पर लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो आपको फ्यूचर में काम आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी कॉलेजेस हैं और जो आपके नंबर्स हैं ये नीट 2023 के ऑल इंडिया रैंक के माध्यम से कट ऑफ्स हैं। और इसके बाद फर्दर अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गया गवर्नमेंट कॉलेज, और इसमें ऑल इंडिया काउंसलिंग से ही आपको 15% सीट्स, यानी कि अगर सपोज 100 सीट्स है तो इसका 15 नंबर्स ऑफ सीट्स ऑल इंडिया काउंसलिंग से होगी, और आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग से ये सीट्स अलॉट हो सकती हैं अगर आपके कट ऑफ नंबर्स ये हैं। नीट 2024 में माइट भी ये चेंज हो सकता है नंबर्स, माइट प्लस माइनस। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था और आपको बताया भी था कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है नीट 2024 का, हमारे इस चैनल पर ही है, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का। देखिए, तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहां पर मैक्सिमम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, और 3,850 सीट्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। चूंकि यहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस भी हैं तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, तो बेनिफिट ये है कि यहां पर आपके पास ऑप्शन ज्यादा है, और ज्यादा ऑप्शन होने के चलते मामला ये है कि आपके पास कटअप्स को लेके बहुत ज्यादा यहां पर मारामारी नहीं होती है। अब हम लोग अगर बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का, तो यह है स्क्रीन पर, और आप समझिए कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अगर आपका तमिलनाडु प्लान कर रहे हैं तो ये, इसके लिए आपका जो बजट है वो आप देखिए, बजट के बारे में सबसे पहले आप समझें, क्योंकि बजट आप समझेंगे तभी आपको एक आइडिया लगेगा कि आपका प्लान हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि जो यहां पर 3,850 सीट्स हैं, इसमें स्टेट के सपोज अगर ये 150 सीट्स है इसी किसी पर्टिकुलर कॉलेज में, तो सर्टेन सीट्स स्टेट के लिए ये उनकी कोटे हैं, और कुछ नंबर्स ओपन कैटेगरीज में मैनेजमेंट कोटा होता है। ये ओपन कैटेगरीज मैनेजमेंट कोटे का मतलब होता है कि ये ऑल इंडिया के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सके। अब जब हम लोग इस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, तो इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए आपको सबसे पहले स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा, यानी कि तमिलनाडु की स्टेट काउंसलिंग जो बॉडी होगी उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, और उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। ये देखिए, https://tnmedicalselections.net, ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट्स जहां पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगी कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते वक्त आपको, जैसे कि एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग के लिए जो भी नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियली यहीं पर मिलेगी, और यहीं से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। जब आप यहां पार्टिसिपेट करेंगे तब आपको इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में काउंसलिंग के लिए चांसेस मिलेंगे। अब हम लोग जैसे बात करते हैं, ये फर्स्ट 150 सीट्स है, इसमें मैनेजमेंट कोटा ओपन कैटेगरीज भी होगा और स्टेट कोटे के अभाव भी होगा। स्टेट कोटे को छोड़ दीजिए, मैनेजमेंट कोटे अदर स्टेट्स यानी ओपन। अब यहां पर देखिए कि एक इसमें गवर्नमेंट कोटा है जिसकी ट्यूशन फी 4.35 लिखा है, और एक मैनेजमेंट कोटा है जिसका 13.50 है। यानी कि एक पर्टिकुलर कॉलेज, अन्नपूर्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सेलम, इस मेडिकल कॉलेज में सपोज अगर 150 सीट्स है, इसमें से मैनेजमेंट कोटे की, गवर्नमेंट कोटे की और ओपन मैनेजमेंट कोटा, यानी कि ये जो गवर्नमेंट की सीट्स आप देख रहे हैं, तो गवर्नमेंट की सीट्स हर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट की सीट्स है, गवर्नमेंट कोटा है, और उसके बाद जो सीट्स बचती है वो ओपन कैटेगरीज में इस ऑल इंडिया के लिए है। अब ये देखिए कि अगर सपोज 150 सीट से इसमें से आप यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि मैनेजमेंट कोटे का, और मैनेजमेंट कोटे का स्टेट कोटे से या फिर ऑल इंडिया कोटे से अगर आप जाते हैं, तो आपको ट्यूशन फी
13,50,000 रुपीज पे करना होगा अगर अन्नपूर्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सेलम में आप प्लान कर रहे हैं। और लास्ट ईयर इस कॉलेज का जो कट ऑफ गया था वो 170 गया था। इसी तरीके से अरुणई मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स 150, वहीं पर 4.50 और यानी कि 4.5 लाख रुपया गवर्नमेंट कोटे का, और प्राइवेट में 1350। क्रिश्चियंस मेडिकल कॉलेज एंड वेलोर, इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि लास्ट ईयर इसका जो कट ऑफ जो गया था वो 665 गया था, और इसका रजिस्ट्रेशन भी सेपरेट होता है, जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था। और इस रजिस्ट्रेशन में आपको ये भी मैं बता दूं कि अगर ऑल इंडिया कोटे से अगर आपको इसमें कोई कॉलेज में सीट मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ 2 सीट्स, यानी कि इस वीएमसी के लिए सिर्फ 2 नंबर ऑफ सीट्स है ऑल इंडिया के कोटे के लिए, और इसका कट ऑफ 665 गया था सेकेंड राउंड में। यानी कि क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर में 2 सीट्स अदर स्टेट्स के बच्चों के लिए, और वो 665 लास्ट ईयर की कट ऑफ थी। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, धनालक्ष्मी श्रीनिवासन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल्स, ये सारे के सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं और इसमें गवर्नमेंट की, और देखिए 540 गवर्नमेंट की फीस और 16,20,000 रुपीज आपकी मैनेजमेंट कोटे की, और इसकी जो कट ऑफ गई थी 245। धनलक्ष्मी श्रीनिवासन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स पेराम्बलुर, ये देखिए 4.5 लाख और 13,50,000। यहां पर सारे के सारे मेडिकल कॉलेजेस का आप देखें तो 13 लाख, ये देखिए ये सारे के सारे, और यहां पर इनकी कट ऑफ से ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो आपके पास मिनिमम नंबर्स 252, 55, 300, 145, 219, 155, ये सारे कट ऑफ नंबर्स हैं। इट मीन्स मानकर चल लीजिए कि ये नंबर्स कॉमन नंबर्स हैं, और इतने नंबर्स अगर आप स्कोर करते हैं तो नाउ यू हैव चांस टू ज्वाइन एमबीबीएस सीट्स इन तमिलनाडु प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। और बजट की ही बात अगर मैं करता हूं तो देखिए तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहां पर अगर देखा जाए तो 13,50,000 रुपीज ट्यूशन फी आपको पे करना है, इसके बाद आपको हॉस्टल चार्जेस पे करनी है। ये 2 अमाउंट आपको पे करना है, और ये अमाउंट देखा जाए तो 13.5 प्लस 1.75, ये आपका हो गया 15,25,000 रुपीज में। आपका मिसलिनियस चार्जेस भी थोड़ा एड ऑन कर लें तो 16 लाख रुपीज में आपका यहां पर एडमिशंस हो जाएगा फर्स्ट ईयर में, जबकि किसी अदर स्टेट्स की बात करते हैं तो आपको काफी पेमेंट देनी पड़ेगी, क्योंकि 3 लाख रुपए की कॉशन मनी भी आपको डिपॉजिट करना पड़ता है बहुत सारे स्टेट्स में। तो एक स्टेट जो तमिलनाडु है बिट थोड़ा सा कॉस्टली जरूर है, लेकिन ये नंबर्स वाइज अगर हम लोग देखें कट ऑफ्स की बात करते हैं तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आपके नंबर्स कम हैं। तो ये है आपके तमिलनाडु के सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और उनकी नंबर्स। जी प्लान करेंगे अपने बच्चों के लिए, और उम्मीद है कि इन सारी काउंसलिंग्स में आपको किसी भी थर्ड पार्टी कंसल्टेंट या ब्रोकर्स या एजेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप अवेयर रहेंगे किस कॉलेज में कितने नंबर्स पे कट ऑफ होती है, अगर आपके बच्चे का नंबर इतना आता है तो आपको एडमिशन मिल जाना है काउंसलिंग के माध्यम से। लेकिन फिर मैं आपको कहता हूं फर्स्ट राउंड के कट ऑफ्स में ही ये आपको फोकस्ड करना है, अदरवाइज आप चूक जाएंगे। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि ये लास्ट मोमेंट में मेरा डिसीजन होगा सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड में, तो उम्मीद है कि आपको ये कॉलेजेस ना मिल पाए, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं इस नंबर्स पे जो नंबर्स आपको लग रहा है कि ये कट ऑफ्स बहुत नीचे है, कम है 170, 176, 665, मेरे भाई 186 नंबर्स हैं, लेकिन इस नंबर पे लाखों बच्चे हैं। सीट्स कितनी है 150, आप कहेंगे कि मैं तो 170 है, मेरा 190 नंबर्स है, मेरे को ये कॉलेज मिल जाएगा, तो आप कंफ्यूजन में हैं। रीजन
अगर सपोज आपका अन्नपूर्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सेलम में आपका टारगेट है कि 170 में लास्ट ईयर हुआ था और इस बार आपको 200 नंबर आए हैं, राइट। अब आपका प्लान कुछ और कॉलेज का रहता है, आपने किसी और कॉलेज में प्लान किया, शायद वो फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिला, आपके पेरेंट्स या आपके फ्रेंड ने ऐसा कुछ प्लान किया था कि मुझे एक पर्टिकुलर एक्स वाई जेड मेडिकल कॉलेज में प्लान करना है, सपोज नहीं मिला, हो सकता है उसका कट ऑफ 300 में चला गया और आप 250 पर थे। अब जब सेकेंड राउंड में काउंसलिंग में या थर्ड राउंड काउंसलिंग में आप सोचते हैं कि नहीं चलो यार अन्नपूर्णा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में तो 170 लास्ट ईयर कट ऑफ गया था मेरा, तो 200 नंबर से मेरे को मिल जाएगा। पता चला कि थर्ड राउंड में अन्नपूर्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सेलम में कोई सीट खाली नहीं है, 150 जो सीट्स थी वो फुल कंप्लीट हो गई, फिल्ड हो गई, वो गवर्नमेंट की जो स्टेट गवर्नमेंट की जो कोटे की सीट थी वो तो वहां चली गई, और मैनेजमेंट कोटे की जो सपोज अगर 100 सीट्स थी या 90 सीट्स थी वो सारी की सारी 176 पे खटअप हो गई, खत्म हो गई। अब आपके पास 200 नंबर होने के बावजूद भी आपको अन्नपूर्णा मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाएगा, क्यों? क्योंकि आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट अगर किया होता तो शायद ये मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाता क्योंकि आपके नंबर्स 200 थे, लेकिन आपने फर्स्ट राउंड में कहीं और ट्राई किया या सेकेंड राउंड में आपने कहीं और ट्राई किया और जब वहां पर आपको नहीं मिला तब आप थर्ड राउंड में प्लान कर रहे हैं कि मुझे अन्नपूर्णा मेडिकल कॉलेज मिल जाए क्योंकि मेरे पास नंबर है, बट अनफॉर्चुनेटली उस कॉलेज के पास सीट नहीं वैकेंट है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आपको सारी प्लानिंग करनी होगी, काउंसलिंग के टाइम में आपको प्लान नहीं करना है, आपको सिर्फ जब आप नीट का एग्जामिनेशन देके आएंगे आपकी आंसर की आ जाएगी, आपको नंबर्स आइडिया हो जाएगा, जब आपका ओएमआर सीट्स आपके स्क्रीन पर दिख जाएगा तो आपको एक नंबर्स का आइडिया पता चलेगा और उस नंबर से आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप किस लेवल पर हैं, आपको गवर्नमेंट कोटे में गवर्नमेंट की सीट्स मिल रही है अपने स्टेट में या नहीं मिल रही है, और अगर गवर्नमेंट की सीट आपको स्टेट में नहीं मिल रही है या ऑल इंडिया कोटे से नहीं मिल रही है तो सेकेंड ऑप्शन आपका प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है या डिम्ड कॉलेजेस है। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर आपको जाना है, आपके नंबर्स और आपका बजट अपने पेरेंट्स से, अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों से, यानी कि आपको म्यूचुअली डिस्कस कर लेना है, कब? जब आपका ओएमआर सीट डिस्प्ले हो जाए और आपको पता चल जाए कि आपका नंबर्स क्या है। अगर आपका नंबर्स कैटेगरीज जनरल है और या ओपन कैटेगरीज, यानी अगर आपका नंबर 620 अबव है तो आपको ये बिल्कुल मान कर चलना है कि आप थोड़ा सा जद्दोजहद और स्मार्टली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, आपको ऑल इंडिया कोटे से कहीं ना कहीं कोई सीट मिल जाएगी गवर्नमेंट की। और आपके नंबर्स अगर लेस देन 600 है, 615 है, तो आपको बहुत ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। अब रही बात ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज या एससी एसटी, ये सेम लागू होता है उन तमाम कैटेगरीज के बच्चों के ऊपर भी जो ओएमआर सीट्स में नंबर्स आएंगे और वहां से आपको अपनी स्ट्रेटजी प्लान करनी है। आपके पास तीन ऑप्शन होगा, एक ऑप्शन ये होगा कि नेक्स्ट ईयर आपको पार्टिसिपेट करना है और आपको फिर से मेहनत करनी है, दूसरा ऑप्शन होगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, और तीसरा ऑप्शन होगा कि आपको प्राइवेट कॉलेज में मूव करना होगा। तो थर्ड ऑप्शन के लिए प्लानिंग आपको काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले करनी होगी। काउंसलिंग स्टार्ट के टाइम में आपके पास समय नहीं होगा न फंड मैनेजमेंट का और न ही कॉलेज को चूज करने का, तो आपको एटलीस्ट इस चैनल के साथ आप भगत बने रहते हैं तो समय रहते आपको मैं सारी जानकारी दूंगा कि आपको कब अपने नंबर्स के हिसाब से क्या प्लान करना चाहिए, आपका बजट क्या अलाउ करता है और आप अपने बच्चे को कहाँ भेजना चाहते हैं। देखिए बहुत सारे स्टेट्स हैं इंडिया में जहां पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, ट्यूशन फी भी अनाप शनाप है, कुछ जगह पर रिजनेबल है, तो आपको अपने बजट्स, आप अपने एनवायरनमेंट, अपने बच्चे लड़की या लड़के के हिसाब से आपको अपना प्लान करना होगा। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, उसके लिए भी मैं आपको सेपरेट वीडियो बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपने बजट, बच्चे के लिए बजट के हिसाब से आपका मेल या फीमेल कैंडिडेट है उसके हिसाब से आपको कौन सा स्टेट बेस्ट होगा
मैं आपको आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, जिससे कि आपको एक बेहतर इंफॉर्मेशन मिलेगा और आप प्रिपेयर हो पाएंगे काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले अपने बच्चों के लिए कि किस तरीके से आप कहां पर एनरोल करें। तो ये मैंने आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में बताया। ट्यूशन फी आप देख लीजिए, मैंने आपको मोर और लेस 13,50,000 रुपीज फिक्स्ड है सारे के सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, और जो गवर्नमेंट कोटे का है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। 1350 फर्स्ट ईयर का ट्यूशन फी है जो आपको पे करना होगा। और ऑन एन एवरेज अगर तमिलनाडु की बात करते हैं तो कट ऑफ 170 से देख लीजिए 330 तक, 370 तक या 400 नंबर्स तक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, और वो है आपकी डिम्ड कॉलेजेस। तमिलनाडु में डिम्ड कॉलेजेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो लगभग डिम्ड कॉलेजेस की जो सीट्स हैं वो सबसे ज्यादा है, 2,500 नंबर सीट्स हैं। और ये सारी की सारी सीट्स जो है वो ऑल इंडिया कोटे से भरी जाएगी। इसमें कुछ कॉलेजेस की सीट्स स्पेशल अमेंडमेंट है, कुछ कंडीशंस हैं जो स्टेट काउंसिलिंग से भरी जाती है, लेकिन 99% जो सीट्स हैं वो आपकी ऑल इंडिया कोटे से भरी जाती है। ये मानकर चलें कि डिम्ड कॉलेजेस इट मींस ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग से ही आपको मिलेगी, और यहाँ पर 100% सीट्स इसको मानकर चल लीजिए कि ऑल इंडिया कोटे से मिलनी है, और इसकी काउंसलिंग भी अलग होती है, स्टेट का यहाँ पर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। आपको करना क्या होगा, आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। और ये हैं इनके कट ऑफ्स, आप देख रहे होंगे कट ऑफ से आपको आइडिया लग जा रहा होगा कि मोटा मोटी ये मिनिमम 108, 109, 110, 11 इस तरीके के नंबर्स पे आपको कॉलेजेस मिलेंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखेंगे कि ये फर्स्ट सेकंड राउंड तक ही मामला यहां पर भी अटका होता है, थर्ड राउंड में आपको यहां पर भी सीट्स की मारामारी होती है। मैं क्यों आपको बताना चाहता हूं, नंबर्स का कट ऑफ को लेके आप ये आश्वस्त ना रहें कि आपको ये कॉलेज मिल जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ये ध्यान रखेंगे। फीफो सिस्टम आपको पता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो काउंसलिंग में आएगा पार्टिसिपेट करेगा उसको ये कॉलेज मिल जाएगा। आपके नंबर्स इससे ज्यादा भी रहेंगे, लेकिन यदि आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो थर्ड राउंड में उम्मीद कम रहेगी, आपको कॉलेजेस नहीं मिल पाएंगे। और तब आप कंसल्टेंट ब्रोकर्स एजेंट्स की बात करेंगे, वो आपसे पैसे चीट करेंगे लेकिन आपको कॉलेजेस नहीं मिलेंगे। तो ध्यान रखिए, ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस डिम्ड कॉलेजेस के साथ सबसे बड़ी बात है कि काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आपको अपने बच्चे का नंबर्स, आपका बजट और बच्चे का इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑफ स्टेट ये ध्यान रखना है। इन सारी चीजों को मैच करके आप अपने प्लानिंग को फाइनल करके रखेंगे कि जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट हो आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट करा लेना है। तो ये मैंने आपको पूरी वीडियो बताई है तमिलनाडु के बारे में, तमिलनाडु का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और वहां की डिम्ड कॉलेजेस, लेकिन उसकी काउंसलिंग ऑल इंडिया से होती है, और ऑल इंडिया कोटे से जितनी भी सीट्स अलॉट होती हैं इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। और आपको जस्ट जैसे ही आप काउंसलिंग में आपको कॉलेज अलॉट होगा आपको जाकर वहां पर एडमिशन लेना है। ये भी आपको पता है कि तमिलनाडु में एक एम्स है मदुरई, और लास्ट ईयर ये चूंकि स्टार्ट 2021 में हुआ है तो लास्ट टू लास्ट ईयर तक 50 सीट्स का इंटेक था, लास्ट ईयर 100 सीट्स, और इसकी जो ट्यूशन फी है वो 1350 है एनुअली। और लास्ट ईयर का इसका कट ऑफ आप देख लीजिए, ओपन कैटेगरीज में इसका कट ऑफ 661 था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज में 651 था, और ओबीसी कैटेगरीज 656, एससी कैटेगरीज 582 और एसटी कैटेगरीज 546। ये कॉलेज सभी जानते हैं एम्स के बारे में, कट ऑफ मेन कंसर्न है। इस कॉलेज में 100% सीट्स जो होती है वो ऑल इंडिया कोटे से ही भरी जाती है, यहाँ पर स्टेट कोटे का काउंसलिंग से कोई मामला नहीं है। तो ये पूरी वीडियो मैंने तमिलनाडु के बारे में बताया, और तमिलनाडु की तमाम मेडिकल कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन आपको मैंने दी। 5,200 वो कॉलेजेस हैं, सीट्स हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में हैं, जिसका 15% ऑल इंडिया कोटे से भरी जाती हैं। ये उसके कट ऑफ्स हैं लास्ट ईयर के। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस
जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि यहां पर 3850 सीट्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट की कोटे है, गवर्नमेंट कोटे के यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का कोटा है 3850 में। कुछ कॉलेजेस में ज्यादा है, कुछ कॉलेजेस में कम है। जो रेस्ट बचते हैं सीट्स, वो सारी की सारी मैनेजमेंट कोटे की सीट है। और यहाँ पर मैनेजमेंट कोटे के लिए मैक्सिमम जो कॉलेजेस हैं उनका जो ट्यूशन फी है वो 13,50,000 है। और मैनेजमेंट कोटे के बाद आपको जो अगर कट ऑफ्स की बात करते हैं तो 170 से लेके 200-300 नंबर्स तक के बीच में आपको ये सारी कॉलेजेस मिल जाएंगी, बशर्ते कि आपको टाइमली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा और आप अपनी सीट्स को बुक करेंगे। अदरवाइज फर्स्ट टू सेकेंड राउंड में ये सारी सीटें फुल हो जाती हैं, थर्ड राउंड तक कोई सीट मिलती नहीं है। चांस की बात होती है एक दो अगर तीन सीट्स कहीं खाली मिल गई तो मिल गई, अदरवाइज कोई कॉलेज नहीं मिलता है। तो अगर आपका प्लान है तमिलनाडु और प्लान बी यानी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, तो तमिलनाडु आपका एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इस वीडियो में मैंने सारी जानकारी दी है, इसके बावजूद भी यदि हो सकता है कि तमिलनाडु से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। किस तरह की और वीडियो आपको चाहिए फ्यूचर में वो आप इन्फॉर्मेशन दीजिए, मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियोस आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके डाउट्स के हिसाब से वो हो और आपको मदद मिले। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके जाइए, बेल बटन को भी